गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी फोर्थ यूनिट है, उसका लास्ट टॉपिक है हमारा कि इलिमिटेशन नॉलेजिंग ऑफ डिफरेंट फिनिश फिनिश अप्लीकेबल्स टू डिफरेंट फैब्रिक, कि इसकी नॉलेजिंग और डिफरेंट जो फिनिशिंग किस तरह से करते हैं और डिफरेंट के अलग अलग प्रकार के कपड़े। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो वस्त्र होते हैं, कि वस्त्र का बाह्य स्वरूप में सुधार करना, कि वस्त्र की जो बुनाई है, कि बुनाई की प्रक्रिया के दौरान वस्त्र के चमक पर आकर्षण कम होता है। जब वस्त्र बुनते हैं तो उनकी जो बुनाई के दौरान जो वस्त्र होता है उसमें आकर्षक और चमक नहीं होती है। वस्त्र की सतह पर रोए छोटे छोटे धागे, गांठे तथा कुछ ढीले धागे भी रह जाते हैं। इन्हें काट कर सतह को चिकना, कोमल, साफ बनाया जाता है साफ बनाना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक होती है उसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ होती है, तेल होते हैं, धूल होती है, गंदगी चिपकी रह जाती है, और उसको साफ करके वस्त्र का जो बाह्य स्वरूप होता है उसको सुधार किया जाता है। कि बुनाई प्रक्रिया के दौरान दौरान वस्त्र की चमक पर आकर्षण कम होता है और वस्त्र की जो सतह होती है, कि वस्त्र की सतह सतह पर रोए रोए एक छोटे छोटे धागे छोटे धागे गांठे तथा कुछ कुछ ढीले धागे रह जाते हैं तो इन्हें इन्हें काट कर उसकी सतह को उनकी सतह को चिकनी कोमल एक साफ बनाया जाता है। जाता है और इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जो प्राकृतिक अशुद्धियां हैं अशुद्धियां जैसे कि तेल है, धूल है, गंदगी चिपकी रह जाती है। जिसको वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारा जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड उपयोग में वृद्धि करना उपयोगिता
वर्टिकल, वर्टिकल ये जो वस्त्र को टिकाऊ बनाकर उपयोग में वृद्धि की जाती है, वस्त्र को अधिक मजबूती, कोमलता, चमकदार बनाया जाता है। इसी प्रकार से वस्त्र को ढीला और बेजान होने से देखने में तथा तो उनकी जो कटाई कर पोशाक बनाने में जो कठिनाई आती है, उन्हें एक समान लंबाई और चौड़ाई की भली भांति खींचा हुआ जो वस्त्र होता है, जिसे ताने और बाने के जो सूत होता है उसके 90 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं और अधिक उपयोगी माने जाते हैं। जिस प्रयोग के लिए काम में लिया जाता है उसे उपयुक्त किया जाता है। साथ ही जो ये वस्त्र की उसकी उपयोगिता की अलग अलग कपड़ों के जो कपड़े होते हैं कि जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो कपड़ा होता है उसका उपयोग भी हम अलग अलग कार्यों के में करते हैं। तीसरा टॉपिक की वस्त्र की जो वस्त्र की उपयोगिता कार्यात्मकता, कार्यात्मक आत्मकता में वृद्धि करना, वृद्धि करना। इसमें क्या होता है कि वह वस्त्र जिसके प्रयोजन या कार्य में उपयुक्त होता है, वस्त्र के गुणों में भिन्नता लाई जाती है। वस्त्र यदि अग्निशमन या आग के पास काम में लिया जाए तो उस पर अग्नि अवरोधक परिष्कृत की जाती है और इस प्रकार के जल जल में या जल से बचाव के लिए जल भेद परिसज्जा का उपयोग होता है। कीड़े फफूंदी सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए विशेष प्रकार की परिसज्जा होती है। सिकुड़न अवरोधक गुण होने से वस्त्र अधिक उपयोग में भी बनाए जाते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा कि वस्त्र का रखरखाव सरल करना, कि अलग जो वस्त्र होते हैं कि वस्त्र की सॉरी कि वस्त्र की कार्यात्मकता वृद्धि में करना, कि हम जो वस्त्र होता है उसको अलग अलग प्रकार से काम में लेते हैं, तो अगर वस्त्र काम आता है तो उसकी उपयोगिता में भी वृद्धि होती है, उस कपड़े की डिमांड बढ़ती है और उसे हम अलग अलग प्रकार से काम में लेते हैं। रख रखाव सरल करना, सरल करना कि वस्त्रों की देखभाल में अधिक समय और श्रम व्यय होता है। कि हर एक कपड़ा अलग अलग प्रकार का होता है तो हर कपड़े की देखभाल भी हमें अलग अलग करनी पड़ती है। जैसे कि सिंथेटिक जो कपड़ा होता है उसको हम आसानी से काम में ले सकते हैं, तो जैसे धोते हैं उसको तो जल्दी सूख जाता है और कहीं जाना ज़्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कॉटन का कपड़ा है तो उसको सूखने में जब हम धो के सुखाते हैं तो उसको टाइम लगता है और बिना प्रेस के हम उसको पहन भी नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं कर सकते हम। बिना प्रेस के अगर हमारा पहनने वाला वस्त्र है तो उसको कपड़े को जब पहनते हैं तो उसके लिए हमें इस्त्री करनी ही पड़ती है, उसकी देखभाल भी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। ये वस्त्र की जो वस्त्र होता है कि वस्त्र की देखभाल देखभाल में अधिक समय सम व्यय होता है और इसके लिए धोया सुखाया सुखाया और जैसे
जैसी सॉरी जैसी परिष्कृत शक्ति उपयोगी वर्दी सिद्ध होती होती है धब्बे या मिट्टी अवरोधक परिचर्या वस्त्रों को गंदे या धब्बे लगने से रोकती है। इसी प्रकार से स्थायी प्रेस प्रक्रिया में जो वस्त्र एक के स्थिति में बना रहता है, सिकुड़न या सगट से बचाव के लिए भी विशेष प्रकार की परिचर्या देकर वस्त्र का रखरखाव सरलता से बनाया जाता है। वस्त्र की बनावट की मांग के अनुसार परिवर्तन करना कि जो वस्त्र होता है कि वस्त्र की बनावट को मांग के अनुसार परिवर्तन करना कि बाजार होता है कि बाजारों में वस्त्रों की उपलब्धता उपयोगिता की मांग पर निर्भर करता है। कि जब मार्केट होता है कि मार्केट में जब हम कोई कपड़ा लेते हैं तो उस कपड़े की क्या डिमांड है, उसको किस तरह से बनाया गया है, उसकी डिजाइन क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी कपड़े को खरीदते हैं। तो फैशन के अनुसार मांग में परिवर्तन होता है कि अच्छा नया नया फैशन आता रहता है और उसके अकॉर्डिंग अगर वो फैशन अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। तो उसी तरह की फैशन के अनुसार मांग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि चाइनीज सिल्क है कि चाइना सिल्क के जो वस्त्र होते हैं कि सिल्क के वस्त्र जो वस्त्रों का प्रचलन कि उनका जो प्रचलन बढ़ जाता है कि सिल्क के वस्त्रों का प्रचलन बढ़ने से लंबे समय तक कि उनमें क्या होता है लंबे समय तक चलता है। और उसी प्रकार से कि क्रेप रोएदार वस्त्रों का चलन अधिक मांग था कि इसके पश्चात जो क्रेप होता है क्रेप एवं रोएदार वस्त्रों का चलन अधिक मांग में था कि कोई कपड़ा होता है और वो चलन में आता है तो उसी कपड़े की ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग जाती है। वस्त्र पर परिचर्या में वस्त्र का निर्माण मांग के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है कि अलग अलग कपड़ों की अलग अलग पहचान होती है, उनकी अलग अलग लोगों के द्वारा उसकी डिमांड की जाती है। वस्त्रों में विभिन्नता लाना कि जो वस्त्र होते हैं कि वस्त्रों में विभिन्नता लाना कि वस्त्रों में भिन्नता लाने के लिए कई प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे कि वस्त्रों में भिन्नता लाने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दो या तीन बुनाई को सीमित रूप से उपयोग करना है, रंगों में परिवर्तन कर भी भिन्नता लाई जाती है। इसी प्रकार कई वस्त्रों में नेपिंग
ये रोए उठा देने में कि उनको उठा देने में कोमलता नवीनता आ जाती है। स्टार से ग्लेज या चमक लाने की परिषदा ने वस्त्र चमकदार और सख्त हो जाते हैं। निकासी या एम्बोस विधि द्वारा जो डिजाइने की जो नई डिजाइनें उभारी जाती है तथा वस्त्रों में विविधता लाई जाती है। फिर एक घटिया वस्त्रों को आकर्षित बनाना। जैसे कोई कपड़ा होता है, नॉर्मली कपड़ा होता है लेकिन वो अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके वस्त्र को किस तरह से हमें आकर्षित बनाना है कि देखने में तो वो अच्छा नहीं लगता लेकिन वो उस कपड़े को मार्केट में, हमें उस कपड़े को मार्केट में भेजना है और वो उस कपड़े को अच्छा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसी कपड़े के अंदर अलग अलग डिजाइन डाल देंगे। अलग अलग डिजाइन डालने के उसमें कलर्स के डिजाइन डालेंगे, तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे कि उस कपड़े की डिमांड बढ़े, लोग ये न देखें कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, लोग ये देखें कि इसकी डिजाइन किस तरह के, वो दिखने में सुंदर होना चाहिए। तो उसी तरह उस कपड़े की हम उसको सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे कि वस्त्र की बुनाई में संघन नहीं होने पर इसमें स्टार्च द्वारा कड़क कि उसमें कलफ द्वारा कि उस कपड़े में क्या होता है कि वो कपड़ा होता है लचीला होता है, तो उसको हमें कड़क बनाने के लिए उसमें क्या करेंगे, स्टार्च मतलब कलफ डालेंगे उस कपड़े के अंदर। तो जब वो उसमें कलफ डालेंगे तो वो कपड़ा कैसा हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। तो कड़क होगा तो होने से वो बहुत सुंदर दिखेगा कि उसके ड्रेस बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, तो उसका जो उस कपड़े की जो गठियापन है वो उससे छुप जाता है। इसी प्रकार से सतह की बुनाई में भी कमी को छुपाने के लिए भी परिसज्जा के द्वारा छुपा दिया जाता है और उसके जो रंग वे छपाई द्वारा भी गठिया वस्त्रों को नयापन दिया जाता है। कि कहने का मतलब ये है कि हम किसी कपड़े की जो कीमत नहीं होती है, अगर वो कपड़ा अच्छा नहीं होता तो हमारा काम ये होता है कि हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जो फिनिशिंग है बिल्कुल अच्छी बनाएंगे, उससे मतलब उस कपड़े को हम इस तरह कि उसके डिमांड इस मार्केट में बढ़ जाए, उसको अलग अलग तरह से उसके अलग अलग डिजाइने बना के उस कपड़े को हम अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उसके उसमें अच्छा लगे और उसको मार्केट में उसकी वैल्यू हो। धन्यवाद।